भगवान परशुराम को भगवान विष्णु से रक्षक का गुण और भगवान शिव से संहारक का गुण प्राप्त हुआ था। वह महर्षि जमदाग्नि के चार पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे, जिनको सात चिरंजीवी पुरुषों में से एक माना जाता है। भक्तों में यह मान्यता है कि आज भी भगवान परशुराम जीवित हैं। भगवान परशुराम ने शिव की घोर तपस्या कर कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। मान्यता यह है कि भार्गव ने कई गांवों को बसाया था और गुजरात से केरल राज्य तक अपने बाण से समुद्र को पीछे धकेल भूमि का निर्माण किया था। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन पौराणिक गाथाओं में आठ ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है, चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे परशुराम जी के चार शक्तिशाली शिष्य की, जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्णा भी नतमस्तक हो गए। तो चलिए अब करते हैं ध्यान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। रामायण और महाभारत, यह दो धर्म गाथा है जिसमें भगवान विष्णु के भयानक शक्तिशाली अवतार मौजूद है, जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष कई सारी अक्षय सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशियों को मारकर लिया था, और उनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए खुद बजरंगबली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी जोश जगा देती है, जो आज चिरंजीवियों में से एक है और आज भी इस धरती पर विराजमान है। कहते हैं परशुराम जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठानी। इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने तीन ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिनको हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे, और यदि भगवान श्री कृष्णा कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो यह तीनों शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो उन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन तीन महायुद्धों को पूरे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था, यमराज का पाश हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। परशुराम जी के तीन महान शिष्य थे, लेकिन एक ऐसा भी शिष्य था जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहां तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वह चार शक्तिशाली शिष्य। पहले नंबर पर मौजूद है भीष्म पितामह देवव्रत, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया। खुद परशुराम जी ने इन्हें असम के एस्ट्रो शास्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वह हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध करते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें झांत है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था। तब अर्जुन कहते हैं, माधव आखिर कोई कैसे सूर्यदेव को ललकारा सकता है जिससे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी ज्यादा अधिक थी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, और कहते हैं कि पांडवों को उन्होंने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था।
जिसके चलते जल्द ही पांडवों ने उन्हें बानों की सैया पर लुटा दिया और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वह कोई और नहीं बल्कि खुद पांडव और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वह पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे। वह भी सिर्फ अपने हाथों के बल पर। गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्र शस्त्रों के झाता थे। उनमें इतना बल था कि वह अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी गुरु परशुराम जी से कई सारे असंख्या शास्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेना को ज्ञान देने वाले गुरु माने जाते हैं। उनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया और तब दृष्टवायुमन ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को छल से ही मारा गया, अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली शिष्य की, तो यह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र महारथी करण थे। करण ने भी भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वह पांडवों के पक्ष में होते तो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षणिया सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र तीन बलों से भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे तो समाज ने बालपन में ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया, जिस प्रकार कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वह बजरंग बली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को तीन उंगल पीछे खिसकाया करते थे। वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार उन्होंने ऐसा ही किया था। अर्जुन का रथ, जिसकी ध्वज पाठ स्वयं बजरंग बली विराजमान थे और जिनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं, जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वह आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त करना उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात थी। उन्हें झांत था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वह जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली है और केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने निकलवा लिया। अगर युद्ध के समय वह कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया। लेकिन अंत में वह अधर्म की राह पर चल पड़े थे। इनमें से आपको सबसे पसंदीदा शिष्य कौन लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।